पर्यटन नगरी मसूरी में इन दिनों अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर निर्माण कार्य ना चल रहा हो। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों की चुनाव ड्यूटी के चलते से अवैध निर्माण कार्य किए गए। आवासीय भवनों के साथ ही व्यावसायिक रूप से संचालित हो रहे भवनों में निर्माण कार्य किया जा रहा है। हालांकि 15 दिनों से विभागों के अधिकारी चुनाव ड्यूटी में तैनात थे, लेकिन जब आज हमारे संवाददाता द्वारा इस बारे में अधिकारियों से वार्ता की गई तो उनका कहना था कि अवैध निर्माण किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी आपको जैसे पता ही है कि विगत दिनों लगभग 10-12 दिनों से चुनाव में सब लोग ड्यूटी ली थी, यहाँ तक कि मसूरी के बाबू की, दोनों सुपरवाइजर की, जेई की, ए की, सभी लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगी थी। लेकिन अब सब लोग चुनाव से वापस आ गए हैं। जो जो भी निर्माण संज्ञान में आएंगे उनके खिलाफ अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और उनको हियरिंग कराई जाएगी और जो जो निर्माण कार्य अवैध पाए जाएंगे उनके खिलाफ अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जो भी निर्माण संज्ञान में आएंगे कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी को दिल्ली की रहने वाली अलीफा की यूपीएससी आईपीएस में 418वीं रैंक आने की खुशी में आज रुड़की की नामचीन संस्था माइनॉरिटी कैरियर ड्रीम के मेंबर्स ने सम्मानित किया। इस मौके पर कई संस्थानों के चेयरमैन और शिक्षा संबंधी अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अलीफा ने छात्र छात्राओं के सामने अपने अनुभव साझा किए। वहीं कई छात्र छात्राओं ने भी उनसे जानकारी ली। अलीफा ने कहा कि उन्हें इस दौरान काफ़ी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, जिसके चलते आज वे इस मुकाम पर पहुंची हैं। जी, जैसा आपने कहा, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मेरे लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि मेरे से प्रीलिम्स ही नहीं हो पा रहा था। पहला अटैम्प्ट मैंने दिया, उस पर प्रीलिम्स नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अपने ऊपर हमेशा से थोड़ा थोड़ा डाउट आता रहता था, तो उसको सही से मैंने उसको हैंडल किया, वो चैलेंज था। फिर ऊपर सोसाइटी का थोड़ा क्रिटिसिज्म था, कहीं ना आती थी कहीं ना जाती थी, तो ये चैलेंजेस थे, बट पार करके यहाँ खड़ी हूँ। तो आज की जनरेशन वैसे बहुत बहुत होशियार हो चुकी है, बहुत आगे बढ़ रही है। मैं उनको बस यही बोलूँगी कि आप जहाँ जो पहले अपना एम एक सेट कीजिए, जो आपका एम है उसके ऊपर बस चलते रहिए, लगे रहिए, मेहनत कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और कभी हिम्मत मत हारिए। एक इंडिया के नाम से संस्था बनाई हुई है और एक संस्था MCD के नाम से, माइनॉरिटी कैरियर ड्रीम के नाम से, और हम लोग ये काम करते हैं कि जो लोग कंपटीशन में आना चाहते हैं उनको गाइड करते हैं। उन लोगों के लिए फ्री कोचिंग का इंतज़ाम किया हुआ हमने, और जो माइनॉरिटीज़ के लिए और बैकवर्ड के लिए, SCs के लिए जो स्कॉलरशिप्स आती हैं उसका क्या तरीका है, कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा, कैसे उसको लिखे है, वो हम करते हैं। बात है, लेकिन मशक्क़त मुझे इतनी नहीं करनी पड़ी, बेटी को ज़्यादा मशक्क़त करी है उसने। उसने अपना बहुत सेक्रीफाइस किया इसके लिए। ये समझिए, वो पढ़ती बहुत ज़्यादा थी और सेक्रीफाइस मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहीं शादी में नहीं जाती थी। हम जाते थे भाई सब तैयार होकर, सबका शौक होता है बच्चों का भी कि भाई शादी में चलेंगे, तो उसको हम जाते थे सब, वो कहती थी नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो उसका बहुत सेक्रीफाइस था। आइसक्रीम नहीं खाती थी कोई, कोई ठंडी चीज़ कोई किसी ने भाई, हाँ, तो उससे कि भाई मेरी तरफ, जबकि उसको कोई नहीं, कोई एलर्जी थी, लेकिन वो इसलिए बचती थी कि भाई तबीयत ख़राब होगी तो मैं 2 दिन के लिए अगर बेड पर लेट गई तो मैं रेस से बाहर हो जाऊँगी। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत परमार्थ निकेतन में पिछले करीब 20 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे एक कर्मचारी ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और जांच भी शुरू कर दी है।